गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर का चैप्टर चल रहा है उसके uh, जो कि आपकी बुक uh, का सिलेबस uh, मैंने आपको सेंड किया था पहले अब इसमें अब इसको मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर में आपको करना क्या क्या है तो बेसिकली हमारे पास जो सिंगल फ़ेज़ इंडक्शन मोटर्स होती हैं हमें यानी कि जो सिंगल फ़ेज़ मोटर्स होती हैं वो बेसिकली हमने फ़ोर टाइप्स में डिवाइड की हैं एंड नंबर फोर्थ आर सिंक्रोनस मोटर्स जो सबसे पहले है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जब क्या प्रिंसिपल होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अगर आप देखें तो दिस मोटर इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर यानी कि यहाँ पर हम सिंगल फेज़ सप्लाई देते हैं जिस मोटर में हम सिंगल फेज़ एसी सप्लाई दे रहे हैं उस मोटर को हम कहते हैं सिंगल फेज एसी मोटर और इंडक्शन मोटर और यहाँ पर हमारे पास ये जो मोटर होती है दिस इज़ नॉट द सेल्फ स्टार्टिंग मोटर इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हमें इसमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग डालनी पड़ती है इसके अंदर दो बेसिकली दो वाइंडिंग होती हैं एक तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसे हम ऑग्जेलरी वाइंडिंग भी कहते हैं और एक होती है मेन वाइंडिंग ठीक है स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों ये पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं और इनके ही पैरेलल में हम एसी सप्लाई देते हैं एक फेज और एक न्यूट्रल जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है कि मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है एक रोटर दिखाई दे रहा है और मेन वाइंडिंग और स्टार्ट ये आपकी स्टेशनरी वाइंडिंग्स हैं स्टेशनरी वाइंडिंग होती हैं अब यहाँ पर हम एक फेज पी और एक न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं फेज इज द पाथ एंड एन इज़ द नेगेटिव पाथ न्यूट्रल इज द रिटर्निंग पाथ ठीक है अब यहाँ पर वैन ए सी सिंगल फेज सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर वाइंडिंग अ पल्सेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाई पल्सेटिंग फील्ड वी मीन डैट द फील्ड बिल्ड्स इन वन डायरेक्शन दैन फोल्स टू जीरो एंड देन इट बिल्ड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन अंडर दिस कंडीशन द रोटर डज नॉट रोटेट डू टू इनशिया देयर फोर दिस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड रिक्वायर सम स्पेशल स्टार्टिंग मीन्स यानी कि इसका जो टोर्क होता है वो आपका यानी कि रिजल्टेंट जो टोर्क होता है वो जीरो होता है फेज स्टार्टर स्टेटर वाइंडिंग इज एक्साइटेड एंड रोटर इज रोटेटेड इन वन डायरेक्शन बाय द सम मैकेनिकल मीन अगर हम इसके रोटर को घुमा देते हैं किसी भी मीन से तो आपका मकैनिकली अगर हम उसको घुमा देते हैं तब आपकी वो मोटर यानी कि रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तो इट विल कंटिन्यू टू रन इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन जिस डायरेक्शन में आप इसको घुमाते हैं उसी डायरेक्शन में ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है ठीक है इस चेंज बिहेवियर को हम एक्सप्लेन किया जाता है बाय द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ठीक है अब ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है कि पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर कैन बी रिजोल्व इन टू कंपोनेंट्स ऑफ हाफ द मैग्नीट्यूड एंड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद सिंक्रोनस स्पीड्स यानी कि दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर देते हैं इसके फील्ड को जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं जी की रोटेट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में विद सिंक्रोनस स्पीड्स ठीक है अब इसमें हम कंसीडर consider करेंगे कंसीडरिंग टू मैग्नेटिक फील्ड्स मान लीजिए कि दो मैग्नेटिक फ्लक्सेस हैं आपके फाइव वन एंड फाइव टू जिसका एक का मैग्नीट्यूड है फाइव मैक्सिमम डिवाइड बाई टू एंड रोटेटेड रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद एंगुलर वोस्टी उमेगा जैसे कि इक्वेशन में दिखाया इस फिगर में दिखाया गया है एंड लेट द टू फ्लक्स स्टार्ट रोटेटिंग फ्रॉम ओ एक्स ये स्टार्ट होते हैं रोटेटिंग होना ठीक है जैसे कि इस डायग्राम में आपको एट गीरोस है फ्लक्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वी गेट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्स कंपोनेंट है आपका फाइव द फाइव मैक्सिमम बाय इनटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव मैक्सिमम बाय टू साइन ओमेगा टी अब रिजल्टेंट फ्लक्स फाइव क्या बनता है अंडर रूट फाइव मैक्सिमम कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर ठीक है अब द रिजल्टेंट फ्लक्स इज दैट इज द फाइव इज इकल टू फाइव मैक्सिमम कोस ओमेगा टी रिजल्टेंट फ्लक्स जो आपका बनता है वह है फाइव मैक्सिमम कोस ओमेगा टी द रिजल्टेंट फील्ड अकॉर्डिंग टू द कोसाइन ऑफ द इट मीन्स द रिजल्टेंट फील्ड वैर इज अकॉर्डिंग टू द कोसाइन ऑफ द एंगल ओमेगा टी द वेव शेप इज शोन इन द फिगर एंड द द एंड अल्टरनेटिंग फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई टू मैग्नेटिक फ्लक्सेज ऑफ हाफ द मैग्नीट्यूड रोटेटिंग एट द सेम एंगी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन ओके एंड नाउ टोर्क प्रोड्यूस बाय द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से टोर्क कैसे बनता है अब टोर्क बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि टोर्क कैसे बनता है बेसिकली वैन जब दो फील्ड आपस में इंट्रैक्ट होते हैं टू फील्ड एक स्टेटर फील्ड एक रोटर फील्ड आपस में इंट्रैक्ट होते हैं देन टोर्क विल बी प्रोड्यूस्ड ओके अब ये देखिए यहाँ पर कैसे द टोटल आप मान लीजिए यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि रोटर जो है आपका स्टेशनरी है और स्टेटर वाइंडिंग पर हमने सिंगल फेज सप्लाई दे रखी है तो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज द सम ऑफ द टू रोटेटिंग फ्लक्स इज़ फाइव वन एंड फाइव टू ईच इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू अल्टरनेटिंग फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द डबल फील्ड रिवोलविंग थ्योरी एंड ई इज रोटेटिंग एट सिंक्रोन स्पीड लेट the flux phi1 rotate in anticlockwise direction and phi2 flux phi2 in clockwise direction. The field rotating in anticlockwise direction produces torque in anticlockwise direction and field rotating in clockwise direction therefore the single phase induction motor is not self starting as i have explained earlier it should be noted that each rotating field tends to drive the rotor in the direction in which the field rotates this the point does the point of the zero slip for one field corresponding to the 200% slip for the other the value of the 100% slip standstill condition is the same for both the fields if we look at the net developed torque it is zero and except at starting there is always some magnitude of the torque which shows that this type of motor is once started in any direction it will develop torque in that direction and rotor will pick up the required speed from the above analysis it is concluded that the single phase induction motor with single winding develop no starting torque however if the rotor is given a push in either direction by some auxiliary means it will develop torque in the same direction in which it has been given a push and the rotor attains the rated speed similarly अब है making self starting motor motor को अब जो self starting कैसे बनाना है उसको self starting बनाने के लिए अब हमें उसमें कुछ extra means extra कुछ चीज देनी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी उससे कि वो self starting होगी टू मेक आ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेवोलिक फील्ड अब हमें की है, जैसे कि में होती है। है? अब यहाँ पर एक सप्लाई है तो एक ही फील्ड बनता है हमें पर चाहिए। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वाइंडिंग डालनी पड़ेगी पैरल में यानी कि हम एक वाइंडिंग को डिवाइड कर देते हैं टू वाइंडिंग में पावर फैक्टर Additional winding. Additional winding डालनी पड़ती है हमें उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए वन द मोटर हैजेंड द मैक्सिमम स्पीड द एडिशनल वाइंडिंग इज कट फ्रॉम द सप्लाई और फिर जब मोटर अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो उसकी एडिशनल वाइंडिंग को हम कट कर देते हैं सप्लाई से ठीक है दी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर क्लासीफाइड इस बेस पर हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्लासीफाई किया है इस बेस पर हमारे पास तीन तरह की मोटर्स हैं स्प्लिट फेज मोटर्स कैपेसिटर मोटर्स एंड सेडिड पोल मोटर्स स्प्लिट फेज मोटर्स में हमने एक्स्ट्रा वाइंडिंग डाल दी है और कैपेसिटर वाइंडिंग में हमने वा एक्स्ट्रा वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर ऐड कर दिया है और शेडिड पोल मोटर में हमने एक शेडिड ग्वाल पोल के अक्रोस हमने अराउंड लगा दी है जिसको हम शेडिड पोल मोटर कह रहे हैं ठीक है सिमिलरली अब सबसे पहले है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के में दो सेट ऑफ स्टेटर वाइंडिंग्स होती हैं जो कि पैरल में कनेक्टिव होने जैसे मैंने कहा आपको बताया एक मेन वाइंडिंग होती है दूसरी स्टार्टिंग uh, वाइंडिंग होती है जिसको हम ओग्जलरी वाइंडिंग भी कहते हैं ठीक है ना द मोटर इज टेम्परेली कन्वर्टेड इन टू टू फेज मोटर उसको हम टू फेज मोटर में डिवाइड कर देते हैं दट दीज टू वाइंडिंग्स आर स्पेस्ड नाइन्टी डिग्री फ्रॉम इच अदर एंड इम्पिडेंस ऑफ द टू सर्किट्स आर सो मेड अप डैट द फेज डिफरेंस बिटवीन देयर करंट इज नियरली नाइन्टी डिग्री दिस इज कॉल्ड द स्प्लिटिंग द फेस ठीक है अब ये डायग्राम में दिखाया गया है जैसे कि अब हमने दो वाइंडिंग्स हैं अब इसमें दो वाइंडिंग पैरल में लगा दी है हमने रोटर के चारों तरफ ठीक है एक मेन वाइंडिंग है एक अगजलरी वाइंडिंग है और एक सेंटर फ्यूबल स्विच लगा दिया है उसके बीच में स्टार्ट अगजलरी वाइंडिंग में ताकि जब रोटर आपका स्टार्ट हो जाए टोर्क जब डेवेलप हो जाए देन हम आ, ये स्विच ऑटोमेटिकली डिस्क ये ऑक्जलरी वाइंडिंग कट आउट हो जाती है तो दिस इज द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर ठीक है अब उसके बाद कैपेसिटर मोटर्स में क्या है अब हम इसकी जगह ये जो स्विच के साथ साथ हम यहाँ पर हम कैपेसिटर भी लगा देंगे ओगजलरी वाइंडिंग में ठीक है या ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर बनती है अगर रनिंग वाइंडिंग में लगाते हैं तो कैपेसिटर रन मोटर बनती है और अगर दोनों वाइंडिंग में दो कैपेसिटर लगा देते हैं स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी वो हमारी होती है कपेस्टर स्टार्ट कपेस्टर रन मोटर ठीक है ये दिस इज मेनली हमें फेज पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हमने कपेस्टर का यूज किया है यहाँ पर ये परमानेंटली भी कनेक्टेड हो सकता है और टेम्परेरी भी ठीक है फिर उसके बाद ये हमने uh, दिखाया गया है इन मोटर्स के बारे में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कपेस्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में हमने स्टार्टिंग वनडिंग में लगाया है कपेस्टर रन में हमने यानी कि परमानेंटली यहाँ पर स्विच नहीं है इसमें स्विच है स्टार्ट में और रन में कोई स्विच नहीं है कोई कटआउट नहीं होती ऑक्जेलरी वाइंडिंग उसमें कंटिन्यूसली उसमें करंट फ्लो करता है ड्यूरिंग स्टार्टिंग ड्यूरिंग रनिंग और फिर कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन अब यहाँ पर हमने दो कैपेसिटर का यूज़ किया है ऑक्जेलरी वाइंडिंग में ठीक है ये हमारे पास एक में कटआउट हो जाएगी और एक में एक कैपेसिटर लगा रह जाएगा और एक कट हो जाएगा ठीक है ठीक है अब सिमिलरली शेडिड पोल मोटर शेडिड पोल मोटर ऑपरेट्स ऑन द सिमिलर ऑफ प्रिंसिपल बट इन द केस द मोटर हैज सेलियंट पोल्स ईच पोल हैज इट्स ओन एक्साइटिंग ऑयल्स विच आर एक्साइटेड बाय द करंट फ्रॉम द सप्लाई मेन्स देर इज नो ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ मोटर्स ईच पोल हैज अ अलोट कट अक्रॉस इट्स लेमिनेशन अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड डिस्टेंस क्या है हमने ये जैसे कि डायग्राम दिखाया गया कि पोल के ऊपर दो पार्ट बन चुके हैं शेडेड पार्ट शेडेड साइड और अनशेडेड पार्ट ठीक है अब यहाँ पर आपका फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिवोल्विंग फ्लक्स, दो फ्लक्स बन जाएंगे एक ही पोल पर जिसकी वजह से रिवोल्विंग फील्ड बन जाता है और रोटर इसका बिल्कुल सेम स्कॉर्डेज इंडक्शन मोटर की तरह होता है तो रिवोल्विंग फ्लक्स अगर बनता है तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका रोटेटिंग फ्लक्स बनता है तो मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट हो जाती है ठीक है सिमिलरली अब आती है आपकी यूनिवर्सल मोटर और ए सी सीरीज मोटर दीज मोटर्स आर स्मॉल इन साइज एंड सीरीज वाउंड ये जो मोटर होती है ये ए सी और डे सी दोनों सप्लाई के लिए होती है इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल मोटर होता है ठीक है हाँ ये आ, ये जो बिल्ट होती है सेटिसफेक्ट्री ये 50 हर्ट्स सप्लाई के लिए और डीसी सप्लाई एट ऑपरेटिंग वोल्टेज 115 और 230 वोल्ट के लिए हम इसको बनाते हैं द आर्मेचर ऑफ द यूनिवर्सल मोटर इज ऑफ द सेम टाइप एज ऑन द दर्डनरी सीरीज मोटर इन स्मॉल साइज द वोल्टेज इंड्यूस्ड बाय द ट्रांसफॉर्मर एक्शन एक्शन इन द कोयल डूरिंग इट्स कम्यूटेशन डज नॉट प्रोड्यूस सीरीज कम्यूटेशन प्रॉब्लम हाई Resistance brushes are used to aid the commutation. It is simple, less expensive and used for small ratings. Uh, the stator core is laminated to reduce the eddy current losses produced by the alternating flux. The fractional cores power universal motors are used where high speed motors are used. High speed motors are required such as sewing machine, vacuum cleaner, electric shaver, drills, hair dryers, table fans etc. डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर कैन भी चेंज माई इंटरचेंजिंग कनेक्शन टू द फील्ड विद रिस्पेक्ट टू आर्मेचर फील्ड एसी और डीसी दोनों आप दे सकते हैं ये इसका डायग्राम है ठीक है आ, फिर उसके बाद आती है रिपल्शन मोटर रिपल्शन मोटर जो होती है यह ऑपरेट करती है टू थर्टी वोल्ट एसी सप्लाई पर इट कंसिस्ट स्टेटर एंड रोटर स्टेटर हैज इट्स सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अब यहाँ पर सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है हमारे पास रिपल्शन मोटर विच इज़ फेड फ्रॉम अ सिंगल फेस सप्लाई उसको हम सिंगल फेस सप्लाई देते हैं रोटर जो है वो उसके अंदर भी आपकी टू सेपरेट वाइंडिंग्स होती हैं कॉमन स्लोट्स वन इन साइड द अदर द इनर वाइंडिंग इज अ स्क्लकेज इनर वाइंडिंग तो होती है स्क्वल वाइंडिंग एंड द विद रोटर बार्स परमानेंटली शॉर्ट सर्किटेड प्लेस ओवर द स्क्लकेज वाइंडिंग इज द रिपल्शन कोमोडेटर आर्मेचर वाइंडिंग ठीक है अब उसके बाद द रिपल्शन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर ऑन विच राइट शॉर्ट सर्किटेड ब्रशिज एंड देर इज नो सेंट्रिफिकल स्विच सो द रिपल्शन वाइंडिंग फंक्शन एट ऑल द टाइम वेन द सप्लाई इज टू द स्टेटर वाइंडिंग द मोटर स्टार्ट एंड द रिपल्शन वाइंडिंग इज एक्टिव ड्यू टू द हाई रिएक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इट हैज नो इफेक्ट एंड सो द मोटर स्टार्ट एज अ रिपल्शन मोटर एज द मोटर पिक्स अप द स्पीड द करंट शिफ्ट फ्रॉम आउटर वाइंडिंग टू द इनर वाइंडिंग

टू फाइव टू थ्री टाइम्स ऑफ द फुल लोड टोर्क होता है द लो वैल्यू बींग फॉर द लार्ज मोटर्स द स्टार्टिंग करंट इज थ्री टू फोर टाइम्स द फुल हाई कॉस्ट एंड रिक्वायर केयरफुल अदर ये डिसएडवांटेज है जो कि हाई कॉस्ट है इसकी और केयरफुल ज्यादा मेंटेनेंस की इसमें जरूरत होती है दीज मोटर्स आर यूज्ड वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड और वेयर विद एन इसेंशियली कॉन्स्टेंट रनिंग स्पीड द कॉमन साइज ऑफ डीज मोटर्स आर वन बाय फोर हॉर्स पावर टू फाइव हॉर्स पावर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज इन एयर कंप्रेसर्स में हम इसका यूज करते हैं फिर आती है आपकी सिंक्रोनस मोटर रिलेक्टेंस मोटर जिसे कहते हैं इट इज अ सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर विच डज नॉट रिक्वायर्ड डी सी एक्साइटेशन टू द रोटर इट वर्क ऑन द प्रिसिपल इट वर्थ ऑन द प्रिंसिपल विच इज एज फॉलोज वैन एवर आ मैग्नेटिक मटीरियल इज प्लेसड इन अ मैगनेटिक फील्ड अ फोर्स इज एग्जोर्टेड ऑन द मटीरियल टेंडिंग टू अलाइन द मटीरियल सो डेट द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ डैट पास इज थ्रू इट द मटीरियल इज मिनिम यानी कि जब भी मैग्नेटिक मटीरियल को हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर फोर्स लगती है तो जो कि अलाइन करती है मटीरियल को एंड सो डैट उसकी जो रिलेक्टेंस है वो मिनिमम हो जाए उस पाथ की The reluctance motor consists of the stator and rotor. The stator has a properly designed salient pole. The stator uh, carries single phase winding along with the auxiliary winding to produce a revolving field, and the rotor is assembled from standard square case stampings which have some of its teeth cut away. Rotor punching for four pole motor is shown in figure. Uh, the salient pole created on the rotor must be equal to the poles of the stator when the single phase supply is given to the stator the maximum flux is set up which revolves at a synchronous speed so the motor starts as a standard squirrel cage induction motor and will accelerate to near its synchronous speed once locked the stator with stator poles go on मूविंग एट सिंक्रोन स्पीड दस मोटर इजार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है और मोटर सिंक्रोन स्पीड पर रोटेट करना जा, लग जाती है और जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हमारी स्टार्ट होती है बिल्कुल वैसे ही ये स्टार्ट होती है ठीक है फिर उसके बाद आती है आपकी हिस्टारिशिस मोटर द प्रिंसिपल ऑफ द स्टेरिस मोटर डिपेंड्स अपॉन द स्टेरिस फैक्ट मैग्नेटाइजिंग प्रोड्यूस इन द मैर फैरो मैग्नेटिक मटीरियल लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी कि मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजेशन uh, जो फोर्स होती है फील्ड uh, होता है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा लैग बिहाइंड रहता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स के इस इफेक्ट के ऊपर ये मोटर डिपेंड करती है दिस इज ऑल्सो सिंगल फेज मोटर इसके अंदर भी एक रोटर एक स्टेटर होता है स्टेटर इसका मोटर जो है डिजाइन होता है रिवॉल्विंग फील्ड एट सिंक्रोन स्पीड व्हेन एनर्जाइज फ्रॉम सिंगल फेज सप्लाई इट इज़ अ इसमें भी रिवॉल्विंग फील्ड बन जाता है जैसे सिंपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में होता है इट इज़ अ परमानेंट कनेक्टेड कनेक्टेडर रन मोटर Uh, both the windings of the stator and uh, starting and running winding remain connected in the circuit during running operation the value of the capacitor is so selected that uh, we can get a revolving field at synchronous speed the rotor of such motor is built up of group of uh, specially hardened steel hard rings instead of silicon steel laminations to magnifying the effect of hysteresis when the single-phase supply is given to the stator, then a synchronously revolving field is produced, which magnetizes the rotor. Due to the hysteresis effect, the axis of the rotor flux will lag the axis of the stator flux by an angle phi, as shown in the figure. If the rotor is stationary, then the starting torque produced is a phi s by phi into phi r sine phi.

इस वजह से इसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दिस इज अ नॉइसलेस मोटर सच मोटर्स कैन फाइंड देयर एप्लीकेशन इन साउंड इक्विपमेंट्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट स्पीड दे आर यूज इन इलेक्ट्रिक क्लॉक्स और अदर टाइमिंग डिवाइसिस ओके सो दिस आर दिस मोटर्स आर द सिंगल फेज मोटर्स डैट यू हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर ओके थैंक यू वेरी मच